बाहुबली में वो जो बंदा नहीं था अंबा का, उसका नाम क्या था? मेहनत की मैंने बहुत है। मेरे को पता है यार, ये बंदा इसको कुछ नहीं पता लगा। बाहुबली को कटप्पा ने मार के ठीक किया था कि ना, मतलब मुझे इस चीज का हैरानियत हो रही थी कि मैंने देखी इसकी मौत हो रही है एक ऐसे भयानक जंगल में, किसी सांप ने इसको लपेटा हुआ है। अच्छा सुन यार, एक ना मुझे जरूरत थी यार, 10,000 रुपए चाहिए थे, होंगे तेरे पास? रॉनी, अंकित, क्या है वही लास्ट चॉकलेट है? हाँ, तुझे याद है मैंने क्या कहा था? अगर तूने ये लास्ट चॉकलेट खा ली तो। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, पर तूने कहा था कि मेरे हाथ पैर तोड़ के कहीं ना कहीं तो डालेगा मेरे। बहुत खतरनाक बंदा है। वेलकम एवरीबॉडी द बमोला शो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेकर आ चुका है अमेजिंग शो, जहां पर तुम्हें एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती, मजाक, शायरी सब कुछ मिलने वाला है, A to Z। यहां पर तुम लोगों ने जो जो सोचा है, जो जो तुम लोगों ने नहीं सोचा है, वो सब मिलेगा, मतलब सब मिलेगा। ओ भाई यार, कैसे बंदे खड़ा रखे पीछे कैमरे में, वो नहीं भाई, उसके लिए उसी साइड पे जाना पड़ेगा, उसको छोड़ के बाकी सब। सो बेसिकली गाइस, तुम्हें पता है मैं बमोलियंस से कितना प्यार करता हूं, तो यहां पर मैं बुलाने वाला हूं बमोलियंस को, सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को, बट फिलहाल के लिए तो लोकली सब्सक्राइबर्स को बुलाऊंगा। लेकिन अगर तुम लोग मेरे 500K सब्सक्राइबर्स करा दोगे तो ट्रस्ट मी, तुम इंडिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, 5 लगी सब्सक्राइबर्स का खर्चा मैं उठाऊंगा, उनकी फ्लाइट के आने जाने की, टिकट, रहने का, सब मेरा खर्चा। खूब मस्ती मजाक होने वाला है भाई साहब, खूब। तो फटाक से 500K सब्सक्राइबर्स करा देना। इस शो में अपन बातचीत करेंगे, चैलेंजेस करेंगे, क्या क्या करेंगे ओ भाई, क्या क्या करेंगे बता दे, तू ही बता दे। हंस रहा है। करेंगे, ये हुई ना बात। तो इस शो में वैसे तुम्हें पता लगी कि हम शायरियां करेंगे, बातचीत करेंगे, थप्पड़ मारेंगे, चैलेंजेस करेंगे, डेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, बस वो चीज नहीं करेंगे जो तुम गंदे लौंडो सोच रहे हो, उसे छोड़ के सब करेंगे। तो चलो फिर ऑलराइट, अपने सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मेरे सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था, उन दो सब्सक्राइबर्स के साथ, तो फिर आ जाओ फटाक से लौंडो। हाय हाय, स्मार्ट लग रहे हो दोनों के दोनों। फिर कैसा लग रहा है वो शो के पहले एपिसोड में आके? मेरे को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, बड़ा सही बनाया यार तूने, सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है यार। आ रही है कि नहीं आ रही? इसी शो में जा रहे हैं। सबसे पहला शो आया वो भी सब तुम्हारे भाई का, फील आ रहा है? देख, फील तो बहुत आ रहा है, बस एक चीज का रिग्रेट है, पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पैसे लगा ये सारा तो यहाँ लग गया, कहाँ है पूरे दिन कैमरा वैमरा लग गया, कहाँ है पैसा? जॉब छोड़ कर आया। ये जो टी शर्ट देख रहे हैं, टी शर्ट ये विवेक की है, वो कैमरा मैन जो पीछे खड़ा है, विवेक भाई बताइए इन्हें टी शर्ट किसकी है? और जो हमारी पूरे दिन की छुट्टी लगी, पूरे पैसे भाई, ये 20 रुपए के कुरकुरे खाने शुरू करो, जो डील हुई थी वो खाने शुरू कर, टाइम पे खाना शुरू कर हो जाएगा। हाँ। तो सबसे पहले तो ये बताओ, पहले तो कांग्रेचुलेशंस अंकित को भाई, इसके ऑलमोस्ट 50K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। बताइए यार, कैसी रही जर्नी फिर? बता कुछ, व्लॉग्स बनाने की कैसे शुरुआत की? शुरुआत तो इसको देख के करी थी, पर बढ़ नहीं रही यार सब्सक्राइबर। और कितने बढ़ाएगा, ठीक तो है, चल रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से चल तो रहा है। इतने बढ़िया बढ़ तो रहे तेरे, इससे ज्यादा तेरे को क्या चाहिए? मैं मेहनत बहुत जोरों शोरों से कर रहा हूँ। मेहनत की मैंने बहुत है, मेहनत की मैंने बहुत है। तू अच्छा काम कर रहा है, तेरे रूपाली के ब्लॉग सच में जेन्युइनली भाई, मेरी वीडियोस से बेशक तेरे को देखना शुरू किया होगा, लेकिन अब ना मेरे को बोलते हैं जितने बंदे अपने को बाहर मिलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लॉग्स ज्यादा बेटर है। हाँ यार, कहते हैं वो भैया आप वो बमोला डायरीज वाले हो, बमोला अभी शादी में गए थे, वहां भी तो मिले थे। और तेरे को पता है एक चीज है, जो चीज होनी है भाई वो होनी है, जो अटल है ना वो है, तो अगर तू अच्छा काम कर रहा है तो तेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देख ये चीज का तो तूने सही कही कि जो चीज है होनी है ना वो होनी है, तभी मैं मेहनत भी करता हूँ। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी मस्त स्टोरी है, मतलब हिंदूज के रिगार्डिंग है वो, तो हम सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, हमारा फेवरेट टॉपिक है यार। सुनो यार, एक बार ना कृष्ण भगवान ना गरुड़ के ऊपर बैठ के जा रहे होते हैं महादेव से मिलने कैलाश पर्वत पर, ठीक है? तो जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो ना कृष्ण भगवान उतरते हैं गरुड़ से नीचे और महादेव से मिलने चले जाते हैं कैलाश पर्वत, ठीक है? तो गरुड़ भगवान वहां पर बैठे होते हैं, जो गरुड़ होते हैं वो बैठे होते हैं, वो देखते हैं छोटी सी चिड़िया दिखती है उन्हें, और वो इतनी सुनहरी होती है, रंगीन सी, मस्त, तो ना वो देखते हैं कितनी प्यारी है। तो ना वहीं पर ना अचानक ही ना यमराज आते हैं और ना वो कैलाश की तरफ जाते हैं महादेव के पास, और ना वो चिड़िया को ऐसे देखते हुए जाते हैं, तो ना गरुड़ भगवान समझ जाते हैं कि यमराज ऐसे देखे गए हैं, मतलब ये चिड़िया मरने वाली है।
अच्छा मतलब ठीक है, यमराज भगवान वो चिड़िया को सुंदर सी को घूरते ऐसे जाते हैं, ठीक है तो वो समझ जाते हैं गरुड़ मतलब जो गरुड़ थे कि भाई ये चिड़िया मरने वाली है, और उनके उनको ना ऐसा हो जाता है यार इतनी प्यारी छोटी मरना नहीं चाहिए, वो कहते हैं कि मेरे से तेज कोई नहीं उड़ सकता, मैं इतना डिस्टेंस यू कवर कर लूंगा, और चाहकर भी कोई नहीं कर सकते, यहां तक कि यमराज भी कवर नहीं कर सकते, सही बात है गरुड़ भगवान से तेज कोई उड़ नहीं सकता। उन्होंने क्या करा, चिड़िया पकड़ी सुर ऐसे गायब हो गए, इतने कोसों दूर चले गए एक ऐसे भयानक जंगल में वहां छोड़कर, और पलक झपकते यहाँ, ठीक है, और कहते हैं अब वो सेफ है। इतने में ना यमराज वहां से बाहर आते हैं मिलकर, तो इतने में ना गरुड़ मतलब बोलते हैं कि आप उस चिड़िया को ऐसे घूरते हुए क्यों जा रहे थे, कहते मैं हैरान था कि ना मतलब मुझे इस चीज का हैरानियत हो रही थी कि मैंने देखी इसकी मौत हो रही है एक ऐसे भयानक जंगल में, किसी सांप ने इसको लपेटा हुआ है, और मैं हैरान इस बात पे था कि ये चिड़िया यहाँ है वो यहाँ से कोसों दूर है, ऐसा कैसे मुमकिन है, इतनी जल्दी कैसे, कहते पर मुझे अब यहाँ पर दिख नहीं रही तो लग रहा है कि वो मरेगी तो है। तो इतने में गरुड़ भगवान ऐसे जाते हैं, मतलब कि मौत अटल है, मतलब यानी कि जो चीज होनी है वो होनी है, मतलब वो कोशिश उन्होंने की बचाने की बट उन्होंने ही मरवाया। मेरे कहने का मतलब ये था अगर मेरे चैनल ने चलना है ना तो चलना ही है, मेहनत करनी है तो चलना होगा, चलेगा नहीं चलना होगा तो जितनी मर्जी मेहनत कर लो दबेगा ही, किसी और चीज में तुम्हारा काम है वो अटल है, वो अटल है। एनीवेज कोई बात नहीं, अब बढ़ते हैं फटाक से चैलेंज जोन की तरफ। अब थोड़ा सा हमने कर दिया है गेम अबव, ठीक है, अब चैलेंजेस आएंगे खतरनाक खतरनाक, तो तुम्हें करने पड़ेंगे, जो यहाँ बैठता है उनको फिर भुगतना पड़ेगा, ठीक है, जिसका थोड़ा बुरा निकलेगा ना जिसका, तो भाई उसको फिर मैं जो बोलूँ करना पड़ेगा। और अगर तुम लोगों को भी इधर बैठने का है ना मेरे साथ शो में तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, 500 के कराओ फटाक से। तो भाई सबसे पहले तो ना दोनों के दोनों अपने किसी रैंडम एक दोस्त को फ़ोन करो और उसे बोलो कि 10,000 रुपये की ज़रूरत है तुम्हें, मुझे जानने का है कि मेरे दोस्त कैसे और तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, रैंडम फोन खड़का किसी को भी और भरोसा होना चाहिए तुझे कि वो तेरे को दे देगा। ओ भाई मेरे वाले, और अगर उसने नहीं दिए ना, जो उसने नहीं दिए ना तो इधर याद रखियो पर तेरे को मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। कौन कर रहा है, मैं करूं, मैं करूं कि तू कर रहा है, मैं करूं 10,000 उसे दे देख देगा मेरे वाला, तो देखियो मुंह पे बजा देगा मेरी, पक्का दे देगा मेरे वाला तो यार, मुझे मेरे वालों पे भरोसा है, मैं तो 500 मांगूंगा तो गालियां खाऊंगा, इसीलिए तुम्हें सोच समझ के उस बंदे को करना जो तुम्हें दे दे 10,000, नहीं दिए तो फिर जो मैं बोलूं वो करना पड़ेगा, ठीक है विवेक, करवा के मानेंगे इनसे, ठीक है, पैसे भी लेंगे उनमें से। मेरे वाले तो सारे के सारे ही साले कंजर है, चल फिर जल्दी से फोन करेगा उसे, क्या 10,000 मांगने अब कॉलेज यस यार एकदम से किसे करे, स्पीकर पर डालियो, हां है तो बथेरे पर ये बजाए ना, इनसे थोड़ा डर भी लगता है कि सिचुएशन पे, अब चल मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना दोस्त, कर लिया, चल एक मैं भी कर लेता हूं, चल ये रहा, वॉल्यूम बढ़ा दे, हेलो हेलो, हाँ भी क्या हाल है, बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा यार एक काम था यार तेरे से यार, हैं देख मेरे साथ ना मतलब मेरे को ना यार पैसे चाहिए था यार 10,000 रुपये यार, अबे देने तो थे मेरे को अभी चाहिए, वो एक भाई खड़ा है एक साथ में, वो कह रहा है कि यार मतलब दिला दो पैसे, तो मैंने कहा मेरे पास तो खुद के पास नहीं है यार, मेरे तुझसे लेने मैंने, तो यार ऐसा करो बीच में जाओगे तो मेरे को, तेरे को खोड़ दूं, अबे मेरे साथ बंदा खड़ा है साले, तीन चार दिन में तू मुझ, ओ भाई तीन, तू यार लस्सी कराएगा यार, लस्सी करा दी देख, और चाहिए काम, टाइम पे काम नहीं आओगे तुम यार, ठीक है आप बस कर भाई बस, ठीक ठीक मैं दे रहा है यार तेरे को, मैं ही भेजता हूँ, मैं किसी और से उधार लेके तेरे को देता हूँ, रुक जा तेरे को 20,000 भिजवाता हूँ मैं, रुक जा, ओके इतना मेरे को भरोसा ही नहीं है भाई कि किसी के दोस्त 10,000 एक बारी में दे दे, मेरा दे सकता है, मेरा दे सकता है, और तो और 10 देने की जगह मैं 20,000 उधार लेके इसे भी दूंगा पहले पहले इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, इसका दोस्त बोल रहा है यार इसे ज्यादा जरूरत होगी इसने, मुझे लग रहा है क्योंकि इसने मेरे पहले के देने, अब 20 और चाहिए इसे, अब वो भी तो करना पड़ेगा, शिट यार। अब अंकित की बारी, इस तेरे पे तो अब एक देर टास्क है तुझे करना पड़ेगा, मेरा मेरा जो दोस्त है ना वो मेरा बचपन का दोस्त है तो मुझे भरोसा है, वॉल्यूम चेक, इसके बंदे दे देंगे, निपी है, हेलो, हाँ निपी क्या हाल है, बस बढ़िया, तुम बताओ कहाँ पे है अभी, ऑफिस, अच्छा सुन यार एक ना मुझे जरूरत थी यार 10,000 रुपये चाहिए थे, होंगे तेरे पास 10,000, हाँ ना भाई मैं तो बड़ी मुश्किल से लोन लेके 20,000 इकट्ठे
तो अभी इधर बस होंगे नहीं, अभी कहीं से अरेंज कर दे, थोड़े से चाहिए थे मुझे 10। अच्छा चल मैं पूछता हूँ, कहीं से हो सकता है ना तो मैं करके देता हूँ। कितनी देर तक बताएगा? आधा घंटा। अभी मुझे 15 मिनट तक चाहिए थे यार। 15 मिनट तक? हाँ मतलब 10 मिनट तक, मतलब किसी को देने थे, अर्जेंट खड़ा है बंदा, 10 मिनट तक। अच्छा चल मैं ट्राई करता हूँ 10-15 मिनट अगर कितना। कर दे यार कर दे। ठीक है ओके। सुन कितनी देर के लिए चाहिए? मतलब मुझे यार एक 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए है? हाँ चल मैं भाई ट्राई, मैं ना पक्का नहीं बोलता क्योंकि मैंने कल ही लोन लेके दिए थे पैसे की, मैं कितने को बोला था ना कि पैसों की टेंशन हो रखी मेरे को। चल कोई नहीं टेंशन ना ले, तू 10-15 मिनट तक कर दे। अबे सुन मेरी बात, रैन दे, मैं वीडियो बना रहा था उसके लिए सिर्फ तेरी कॉल रिकॉर्ड कर रहा था। हाय निप्पी भाई कैसे हो? 20,000 का लोन लिया था, 20,000 तो लोन लेके भर रहे। अरे मैं बस ये वीडियो बना रहा था। चल कोई नहीं, अरे कोई पैसे नहीं चाहिए, तू चिल कर। अब तो लस्सी हो गया आपकी वजह से आपके दोस्त की। निप्पी मुझे लगा था तू दे देगा यार, भरोसा बहुत था मेरे को, तो मेरे को लगा था वो कर देगा। ना वो तो हमें पता लग गया था, कर देते हैं एंड में तो कर ही देते हैं। चल कोई ना कर दो, तू अभी भी राई है। ओके ब्रदर ओके। तो यार 20,000 का तो लोन लिया उसने, देख ले तेरे को देगा यार। मतलब हिंदुस्तानी विवेक भाई तू देख रहा दोस्त कैसे होते हैं, तो तेरे मिनट से भी गंदे है भाई। इसका मतलब मेरे वाला दोस्त ना थोड़ी देर तक कर देता रेंज, उसने टाइम पीरियड पूछ लिया था मुझसे, पर जो चीज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं थोड़ी देर तक हम कैसे मान लें। ऐसे तो मेरे वाले ने भी बोल दिया, ऐसे तो इसके वाला भी बोल रहा था 20,000 लोन लेके उसको दे वो 40 देगा। अब हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड, और ये है बॉलीवुड से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? इसको मैं बोलता हूँ बॉलीवुड क्वेश्चन आंसर राउंड, समझ रहे हो? तो यहाँ पर मैं तुमसे तुम्हारा नॉलेज जानना चाहता हूँ कि तुम कितने बड़े मतलब फैन हो, तुम्हें मूवीज कितनी पसंद है, ठीक है? तो फटाक फटाक जवाब देने, जो क्वेश्चन मैं सबसे पहले अंकित के साथ कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तेरे को फटाक से बताना है, टाइटैनिक में जैक का नाम क्या था? जैकी था। जैकी था, मैं तो घूमने लग गया था, मैंने कहा जैक वो लड़का ना उसका नाम क्या? ओ तेरी, मुझे देख मैं कह रहा हूँ टाइटैनिक में ओए इंटरव्यूअर ही बुद्धू है यार। 2 मिनट के लिए ना मैं सोच में चला गया, मैं कहा मेरी तो फेवरेट मूवी है, जैक का नाम था क्या? मैं कहा जैक ही तो था। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वो लड़का था कौन, उसका नाम क्या था जैक का? तुम बता नहीं पाते, मैंने बता दिया। हाँ चल बढ़िया हो गया। तू झूठी मैं मक्कार में हीरोइन कौन है? श्रद्धा। तूने ट्रेलर देखा? ट्रेलर? मुझे तो मूवी देखने भी जाना है आज रात को, चलेगा? आलिया किस में फिर? तुम लोग भी जवाब बताना, मैं मेरे को जानने का है, कमेंट में लिख देना जिनको आंसर्स पता है, ठीक है? ताकि पता लगे कि कौन कितना तेज है। अगला क्वेश्चन, कल होना हूं मैं, प्रीति जिंटा का नाम क्या था? प्रीटी वुमन, प्रीति नहीं, प्रीटी वुमन। अभी रुक जा, ये तो कबीर की बंदी बना दे उस गाने से निकाल रहा है। मैं कहता हूं वो उसको पटाना चाहता था, उससे बिठा दो मेरे को, मेरी बात करा दो यार, मेरी फेवरेट हीरोइन है प्रीति जिंटा, मैं ना नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? तू बताई तो नहीं रहा। अभी रुक, क्या था यार? रहने दे तेरे बस का नहीं, अगला क्वेश्चन। अगला आंसर तो बता दे यार। नैना। मेरे नैना, मेरी नैना को हर, अबे इसके नैना, इसके नैना को ढूंढते मैं, मेरे को सब पता है। बाहुबली में वो जो बंदा नहीं था अम्बा का, उसका नाम क्या था? बहुत कमाई सारे, भल्लाल देव का नाम पूछता उसका बता देता। उसका नाम था अम्बा का नहीं था, अम्बा का तो किसी और का है, वो जो चाकू मारता था अम्बा का। हाँ, नहीं पता, ठीक है हार गया। और ऐसा 5वां क्वेश्चन तेरा, अभी तक बहुत गंदा खेल रहा, तो तेरे से बहुत उम्मीद थी अंकित मेरे बड़े भाई, क्वेश्चन देख अपने। अब ये बता, शाहरुख खान की डुप्लीकेट फिल्म के अंदर शाहरुख खान का डुप्लीकेट किसने किया? मूवी का नाम फैन था और शाहरुख खान का डुप्लीकेट फैन था कोई। फैन मूवी तो इतनी सही थी है ना, शायद से जिसमें इतना था। मैंने क्या बोला डुप्लीकेट मूवी, वो डुप्लीकेट मूवी मैंने क्या बोला कि शाहरुख खान की डुप्लीकेट मूवी में डुप्लीकेट फिल्म का नाम हुआ शाहरुख खान की डुप्लीकेट मूवी में शाहरुख खान का डुप्लीकेट रोल किसने प्ले किया? शाहरुख खान की डुप्लीकेट मूवी है, मुझे नहीं पता, मुझे लगा जिसमें डुप्लीकेट है वो फैन मूवी थी जिसमें उसका वो फैन उसके जैसे। हार गया अनु दुआ, ये बंदा ही गंदा, फिर बोलता है मैं तो बॉलीवुड का फैन हूँ। हर शुक्रवार को मूवी देखने जाएगा, हमें भी घसीटता है साला। और ऐसे अंकित का तो हो गया, अब बढ़ते अनु की तरफ, तेरे से बहुत उम्मीद है ब्रो, इसके जितना गंदा मत खेलियो। कल होना हो में शाहरुख खान ने जो उसकी बीवी थी
वो कौन थी? शाहरुख खान की बीवी कौन थी? अपनी बारी में हार गया ना। कल हो ना हो मैं शाहरुख खान की बीवी थी कोई। ऐसे कुछ तो वो नैना को क्यों पटा रहा था फिर? वो नैना को नहीं पटा रहा था, नैना पट रही थी। वो नैना को जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखा। नैना खुद पट रही थी तो सैफ अली खान भी पटा रहा था किसी को। वो नैना को जिंदगी जीने का सही राह दिखा रहा था और नैना को ऐसा आशिक प्रोवाइड करा रहा था वो, जो शाहरुख के मरने के बाद भी नैना का उतना ही ख्याल रखे। और उसको वो बंदा कौन मिलता है? रोहित सैफ अली खान। सोनाली बेंदली। हाँ उसको पता है, तेरे को नहीं पता। चल हीरोइन थी पूरी मूवी में, दिखी गई। ऑलराइट सो क्वेश्चन नंबर टू, शोले फिल्म के अंदर या धर्मेंद्र पाजी ओके किसको पटाने के चक्करों में पेड़ से आम तोड़ते हैं? पेड़ से आम तोड़ता है अपनी बंदी को, और उसकी बंदी थी, बंदी का नाम तो बता रहा हूं अपनी बंदी को ही, बंदी को ही पटाने के लिए होगा ना पाजी। हाँ तो बंदी का नाम भी तो सुनना पाजी। बसंती। ठीक है बसंती नहीं थी यार, ऐसे क्वेश्चन नहीं, इससे मुझसे इतने मुश्किल क्यों? तेरे से मुश्किल? डुप्लीकेट फिल्म के अंदर शाहरुख खान का डुप्लीकेट किसने प्ले किया? डुप्लीकेट में साले डुप्लीकेट। भाई तेरे को डुप्लीकेट मूवी बोली उसने और तू फैन दूसरी मूवी ले आया बीच में, तो दोनों दो दो मूवी का नाम। अगला क्वेश्चन, कबीर सिंह फिल्म के अंदर शाहिद कपूर का जो बेस्ट फ्रेंड होता है या वो, उसका उस फिल्म के अंदर नाम क्या होता है? क्वेश्चन गलत है, उसके दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, एक तो चूतिया होता है चला जाता है, दूसरा होता है जो अपनी बहन की शादी कराने लग जाता है नशेड़ी से। ओ या जो उसके साथ टिकता है। ओके जो कंपाउंडर होता है। हाँ एक छोटा सा क्लिनिक खोला होता जिसने। सब कुछ मत बता, ये मत बता कि तेरे को सब कुछ ही पता है, बस जवाब बता यार। उससे कितने आसान क्वेश्चन पूछे कि भाई कबीर सिंह में कबीर नाम बताता हूं, अभी बता दूं मैं बता रहा हूं। उसमें उसका होता है पाटिल। ए राम इसको ये भी नहीं पता, वो तो गब्बर में होता है अक्षय कुमार का जो ऑपोजिट होता है पाटिल। पाटिल एक सही बाकी सारे गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरे लिए, केजीएफ में वो जो पॉलिटिशियन होती है रवीना टंडन, उसका नाम क्या होता है मूवी के अंदर? जल्दी बता। मेरे को पता है, मेरे को पता है यार, ये बंदा इसको कुछ नहीं पता लगा। तो इसको पता है? पता है। तू चुप रह, तू बोल। कच्चे खिलाड़ी है भाई, क्यों कर रहा है ये एक्टिंग? क्लासरूम थोड़ी है कि सर को दिखाने के लिए। आ रहा है। ऐसी एक्टिंग अक्सर ना क्लासरूम में बच्चे करते हैं। आ तो रही है फिर जा रहा है। नहीं आता तेरे को, बोलेगा तो जाएगा। आ रहा है। प्रधानमंत्री का नाम क्या होता है? कैलकुलेशन चल रही है माइंड में, ठीक है। थ्री, इतनी लंबी वीडियो नहीं कर सकता मैं। 2-1-0 हार जा। रमिका सेन अभी तक तो बहुत बुरा खेल रहा है भाई। फाइनल क्वेश्चन तेरे से पूछने जा रहा हूँ मैं, लाज रख लियो। और ये बहुत ही मतलब पूरे हिंदुस्तान को इसका आंसर पता है, तो तुझे भी पता होना चाहिए। मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, मुझे तो पता होगा। हाँ पांच में से एक नंबर साला। बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था? बहुत आसान है देख, सबसे पहले तो इसके पीछे बहुत डीप डाउन स्टोरी है, ठीक है। पर घुमा फिरा के मैं वन वर्ड आंसर दूंगा कि ये ऑर्डर थे, ऑर्डर आए हुए थे भाई, क्योंकि ऑर्डर थे फुलफिल तो करना था, और वो बंधा हुआ था गद्दी से अपने वचनों। ऑर्डर किसने दिया था? क्योंकि वचन ही है शासन। ऑर्डर, अच्छा शासन ने दिया था, उसकी माँ ने। या बट ठीक है तेरा जवाब सही है। अब थोड़ा सा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ, तो जीत गया। बाहुबली को कटप्पा ने मार के ठीक किया था? गलत करा। ऑब्वियसली ठीक किया था, बहुत गलत करा। नहीं ठीक किया था यार, बहुत गलत करा भाई, गलत हुआ था ऑब्वियसली। सही हुआ था, देख वचन तोड़े नहीं जा सकते। कृष्ण भगवान ने महाभारत में कहा था, अगर तुम एक वचन पर चल रहे हो ठीक है, और तुम्हें पता है कि वो अधर्म है, तो तुम्हें वो तोड़ना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह ने साथ दिया कौरवों का क्योंकि वो वचन से बंधे हुए थे, बट उनको पता था कि वो गलत कर रहे हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं अगर तुम वो वचन तोड़ते, तुम्हें पता है अधर्म है, तो तुम्हें पाप भी नहीं, महाभारत भी और महाभारत भी नहीं होती। वही तो, अगर वो वचन तोड़ देते महाभारत ही ना होती। तभी तो कृष्ण भगवान ने कहा तुम्हारी गलती यही थी, गलती यही थी, तो यही धर्म को जान ही नहीं पाए तुम, धर्म को जान ही नहीं पाए। माना कटप्पा को पता था कि वो गलत कर रहा है, पर क्या करें, करना तो था ही। देखो बात ऐसी है, भी तो बढ़ानी थी, उसका बच्चा कैसे बनता हीरो फिर? बात मूवी को आगे बढ़ाने की और भी तरीके से, बात सही गलत की, बस मैं ये बता रहा हूँ कि कटप्पा को उसको अगर नहीं मारना चाहिए था, बिकॉज वो गलत था, उसकी माँ के कहने पर उसने गद्दी से बंधा हुआ था मार दिया, और उसको पता था भल्लाल कितना गलत है, कितना गलत है यार, आगे चल के पूरे साम्राज्य की धज्जियां उड़ा देगा यार। से तो भाई कर्ण को भी पता था वो गलत है, तो कृष्ण भगवान ने यही कहा कि तुम्हारा कि तुझे मरना पड़ेगा क्योंकि तू गलत भी गलत का साथ दिया। किसी ने बताया फिर मारा, कटप्पा को कौन बताएगा? तो बस हम वही बोल रहे हैं, वो गलत है ना, उसको किसी ने ना बताया, बस वो गलत है, बात खत्म। अरे तो बहुत हीटअप होगी, ऐसा ही होता है भाई, जब पहले शो के अंदर ही अपने दोनों भाइयों को बिठा लो तो दंगे छिड़ जाते हैं, तो मुझे पता है यहां जिससे पहले महाभारत यहां छिड़ जाए तीनों की। हम बढ़ते हैं अपने फाइनल गेम की तरफ, अब हम लोग कर रहे हैं फाइनल राउंड, ठीक है ना। तो इसके बीच में तुम दोनों को अच्छे से खेलना है, और गेम ऐसा है कि दोनों को अपने मुंह में भरना पानी,
और ये हैं दो, दोनों को मारना इंटेंस होने वाला बिकॉज मुझे तुम दोनों का पता है कि तुम बड़े ढीठ। मेरा पता होगा। तो जिसके मुंह से पहले पानी गिरा वो गया हार। ओए ओए अंकित अंकित तेज लग रहा है। ओ अन्नू अन्नू गया, अन्नू ने मुझे पानी फेर दिया। ये इसने मुक्का मारा अन्नू के। वो गलत लेवल का सीन हो गया। गया गया खत्म खत्म। हार गया साला यार, तेरे से मिट्टी गलत बंदे में पैसा लगाया था, कभी नहीं जीतता इसे। खास ले कुछ नहीं होता तेरा। तो अब अपने विजेता की तरफ चलते हैं। कैसा लग रहा है विजेता? गुड गुड गुड, प्राउड प्राउड प्राउड। तो चलो यार भाई, बहुत अच्छा लगा तुम दोनों से बात करके, मजा आ गया। दबो मोला शो के पहले एपिसोड में तुम दोनों के साथ करी शुरुआत, मुझे जेन्युइनली काफ़ी सही लग रहा है यार, क्योंकि तुम ही दोनों मेरे सबसे पहले सब्सक्राइबर्स हो। चैनल की शुरुआत तुमसे हुई थी। एंड अगर आप लोग भी चाहते हो यहाँ पर बैठना तो 500 के कराने पड़ेंगे भैया, फिर आप लोगों को कहीं से भी हिंदुस्तान से उठा के लाऊंगा और करूंगा भैया पूरा का पूरा शो। तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाकी चलो फिर, सुनो आज वो देखने चले, तू झूठी तू ही मक्कार। तू झूठ, तू बोल क्या रहा था, उसने सही किया? करा तो सही था भाई, सही करा सही था। अन्नू का मूड खराब नहीं कर सकते भाई, चलो आज ही वो टिकट करा आज। यही झूठा यही मक्कार, ये तू है सारा मक्कार सारा झूठा।